हिंदू धर्म में अनंत पूजा, जिसे अनंत चतुर्दशी भी कहा जाता है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक पर्व है। यह पर्व विशेष रूप से भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा और उनकी कृपा प्राप्त करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस पर्व को पूरे भारत में बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और उनकी कृपा से जीवन की समस्त बाधाओं से मुक्ति पाई जाती है। यह त्योहार गणेश चतुर्थी के 10वें दिन मनाया जाता है और इस दिन भगवान गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन भी किया जाता है। आइए इस लेख में विस्तार से जानते हैं कि अनंत पूजा क्यों मनाई जाती है और इसका पौराणिक, धार्मिक और सामाजिक महत्व क्या है। अनंत चतुर्दशी की पूजा भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की उपासना के लिए की जाती है। अनंत शब्द का अर्थ है जिसका कोई अंत नहीं है। भगवान विष्णु को अनंत इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी महिमा, शक्ति और कृपा का कोई अंत नहीं है। वे इस सृष्टि के पालन करता है और अनंत काल तक इस सृष्टि की रक्षा करते रहते हैं। इस पूजा से जुड़ी एक प्रमुख पौराणिक कथा महाभारत काल से संबंधित है। कहा जाता है कि जब पांडवों को जुए में अपना सारा राज्य खोना पड़ा और उन्हें वनवास जाना पड़ा, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अपने कष्टों का कारण पूछा। भगवान कृष्ण ने उन्हें बताया कि यदि वे अनंत चतुर्दशी का व्रत करेंगे और अनंत भगवान की पूजा करेंगे तो उनके सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे और वे अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर सकेंगे। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण के बताए अनुसार अनंत चतुर्दशी का व्रत किया और अनंत भगवान की पूजा की। इसके बाद पांडवों के जीवन की कठिनाइयां धीरे धीरे समाप्त हो गईं और उन्हें उनका राज्य पुनः प्राप्त हुआ। इस कथा के आधार पर यह मान्यता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से अनंत भगवान का व्रत करता है, उसकी सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और उसे सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। अनंत पूजा से जुड़ी एक और पौराणिक कथा बहुत प्रचलित है, जो एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी से संबंधित है। इस कथा के अनुसार एक बार कौलिक नामक ब्राह्मण की पत्नी सुशीला ने अनंत चतुर्दशी का व्रत किया और भगवान विष्णु की पूजा की। उसने अपने पति को भी व्रत करने के लिए प्रेरित किया। ब्राह्मण ने व्रत तो कर लिया, लेकिन उसकी आस्था पूर्ण नहीं थी। कुछ समय बाद उसने अनंत धागा उतार कर फेंक दिया, जो व्रत के दौरान पहना जाता है। इसके बाद उसके जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आने लगीं। जब ब्राह्मण को अपने कष्टों का कारण समझ में आया तो उसने पुनः सच्चे मन से अनंत भगवान की पूजा की और उसकी सभी समस्याएं समाप्त हो गईं। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि अनंत चतुर्दशी का व्रत सच्चे मन और विश्वास के साथ करना चाहिए, तभी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। अनंत चतुर्दशी का व्रत बहुत ही कठिन और विशेष नियमों के साथ किया जाता है। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है। इस पूजा के दौरान एक धागा, जिसे अनंत धागा कहते हैं, पहनने की परंपरा है। इस धागे में 14 गांठें होती हैं, जो 14 लोकों का प्रतीक मानी जाती हैं। पुरुष इसे अपने दाहिने हाथ में और महिलाएं अपने बाएं हाथ में बांधती हैं। व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा स्थल को अच्छे से साफ करें और एक चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर रखें। पूजा के लिए भगवान को फूल, चंदन, धूप, दीप, फल और मिठाई अर्पित करें। भगवान की पूजा के बाद अनंत कथा सुनना या पढ़ना आवश्यक होता है। कथा समाप्त होने के बाद अनंत धागा अपने हाथ में बांधें और भगवान विष्णु से सुख, समृद्धि और शांति की प्रार्थना करें। व्रत के दौरान संयम और सत्संगति का पालन करना चाहिए। व्रत को पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए, ताकि भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो सके और जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो सकें। अनंत पूजा में सबसे महत्वपूर्ण होता है अनंत धागा, जो भगवान विष्णु के अनंत रूप का प्रतीक होता है। इस धागे को 14 गांठों में बांधा जाता है, जो 14 लोकों का प्रतीक होती है। इन 14 लोकों में भूलोक, भूवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक प्रमुख हैं। यह धागा भगवान विष्णु की कृपा का प्रतीक माना जाता है और इसे धारण करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है।
अनंत धागा पहनने से जीवन की बाधाओं का नाश होता है और व्यक्ति को भगवान विष्णु की अनंत कृपा प्राप्त होती है। अनंत चतुर्दशी का पर्व गणेश उत्सव के साथ भी जुड़ा हुआ है। गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक 10 दिनों तक गणेश जी की पूजा की जाती है। अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन की परंपरा भी निभाई जाती है। इस दिन भक्त गणेश जी की प्रतिमाओं का विसर्जन करते हैं और उनसे अगले वर्ष पुनः आने का आह्वान करते हैं। गणेश जी की पूजा और अनंत भगवान की पूजा एक साथ करने से व्यक्ति को दोनों देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और उसके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। आधुनिक समय में भी अनंत चतुर्दशी का पर्व उतनी ही श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और अनंत धागा बांधते हैं। यह त्योहार न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह व्यक्ति के जीवन में अनुशासन, संयम और आत्मसंयम को भी बढ़ावा देता है। आज के समय में जब लोग विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे होते हैं, अनंत चतुर्दशी का व्रत और पूजा उन्हें भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने और जीवन की बाधाओं से मुक्ति पाने का एक महत्वपूर्ण मार्ग प्रदान करती है। इस पर्व का उद्देश्य लोगों को यह सिखाना है कि भगवान की शरण में आने से और सच्चे मन से उनकी उपासना करने से सभी समस्याओं का समाधान संभव है। अनंत चतुर्दशी का पर्व भगवान विष्णु की अनंत महिमा का उत्सव है। इस दिन की गई पूजा और व्रत से व्यक्ति को भगवान की कृपा प्राप्त होती है और उसका जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। अनंत चतुर्दशी हमें यह सिखाती है कि भगवान का नाम और उनकी उपासना हमें किसी भी परिस्थिति में विजयी बना सकती है। अनंत चतुर्दशी का पर्व हमें धैर्य, विश्वास और श्रद्धा के साथ जीवन जीने की प्रेरणा देता है। तो दोस्तों, यह थी अनंत चतुर्दशी से जुड़ी पूरी जानकारी और इसके पीछे की पौराणिक कथा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो तो इसे लाइक जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही धार्मिक और रोचक वीडियो लाते रहें। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी अनंत चतुर्दशी के महत्व को जान सकें। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।